जशपुर में मंत्री अमरजीत भगत के बेटे आशीष भगत पर पहाड़ी कोरवा जनजाति की 25 एकड़ जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में सियासत तेज हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की नियुक्त की गई 6 सदस्यीय जांच टीम पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव गुतकिया पहुंची। बीजेपी के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के नेतृत्व में सांसद गोमती साय, विधायक देवजी भाई पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष रायमुनि भगत के साथ साथ बीजेपी नेता नरेश नंदे ने पहाड़ी कोरवा परिवार से मुलाकात की। बीजेपी की जांच टीम को पूरे मामले में छल कपट से जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात पता चली। सांसद गोमती साय ने आगामी संसद सत्र में इस मुद्दे को उठाने की बात कही। छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री अमरजीत भगत के पुत्र आशीष भगत पर पहाड़ी कोरवाओं की लगभग 25 एकड़ जमीन बिना उनकी सहमति के अंगूठा लगवाकर रजिस्ट्री कराने के मामले को बीजेपी जांच टीम ने बेहद गंभीर मामला बताया। राज्यपाल और राष्ट्रपति से इसकी शिकायत की बात कही। मामले में परिजनों ने जमीन वापसी की मांग की है। इन्होंने जो बयान दिया, उस बयान को हम लोग कमेटी के लोग महामहिम राज्यपाल जी से और आवेदन दे करके उनके बयान को दे करके इस पर आप हस्तक्षेप करें और तत्काल उनको न्याय दे। इस बात को मैं महामहिम राष्ट्रपति तक हम लोग सब समिति पहुंचाएंगे और व्यक्तिगत रूप से मैं एक सांसद होने के नाते इस बात को मैं लोकसभा में भी उठाऊंगी कि राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्रों के साथ कांग्रेस की सरकार किस तरह की अन्याय कर रही है। पूरा जमीन के मंत्र रजिस्टर करो ले लें। कौन करे? का अमरजीत भगत कर बेटा हर मोर काका ससुर कर बेटा उमन आले और मोर ससुर मन के ठीक के ले लें। उमन कहले कि कोड़ बगड़े इनसे के देती कह के ले लें और पूरा जमीन हमर 25 एकड़ के दे देले। मोर बुआ मन के काका लेके ठीक ठुका के बुला ले गढ़ा जे कोड़ बगड़ी दी रहले कतिक ठाव के ओके दी दिल कह के। अब पूरा के रजिस्ट्री हुई कि क्या हुई सके उनके भी पता नहीं क्या ठीक ठुका के लेके दस्तखत करवाई देना।